transplant, facelift surgery, liquid facelift, breast cosmetic surgeries, body contouring procedures, rhinoplasty, लेजर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए अब आप सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए बात कर सकते हैं मोस्ट रिप्यूटेड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर रजत गुप्ता जी से. प्रोग्राम स्किनोवेशन. नमस्कार, मैं हूं पूजा. ये हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है स्किनोवेशन. हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है. लड़कियां चाहती है कि उनकी बॉडी का हर पार्ट खूबसूरत लगे, और ऐसा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेस्ट. कभी कभी इसकी शेप ठीक नहीं होती तो कॉन्फिडेंस नहीं आता. आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में, और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रजत गुप्ता, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन, हमारे साथ हैं. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका. सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता क्या है? तो बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो चाहती हैं कि ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा उनका बड़ा होना चाहिए, दे शुड लुक गुड, या उनका क्लीवेज अच्छा दिखना चाहिए जो अच्छा नहीं दिखता. सो इस प्रोसीजर को बोला जाता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन. देर आर टू वेज इन विच वी कैन डू दिस प्रोसीजर. एक होता है फैट ग्राफ्टिंग और एक होता है सिलिकॉन इम्प्लांट. जी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में फैट ग्राफ्टिंग का क्या रोल है? ओके, सो फैट ग्राफ्टिंग एक प्रोसीजर है जी, जिसमें हम पहले लाइपोसक्शन करते हैं. जी, लाइपोसक्शन समझते हैं क्या होता है? किसी भी एरिया जहाँ पे एक्सेस फैट है वहाँ से फैट निकाला जाए. तो जैसे अमूमन तौर पे फीमेल्स का एब्डोमन पे, बटक्स पे या थाइस पे एक्स्ट्रा फैट होता है, सो हम वहाँ से फैट निकाल लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं और उसी फैट को ब्रेस्ट में डाल देते हैं. सो आपके दो एडवांटेजेस हो जाते हैं. जो एरिया आप चाहते हैं कम हो जाए वो कम हो गया, और जो आप एरिया चाहते हैं कि बड़ा हो जाए वो बड़ा भी हो गया. सो दिस इज़ फैट ग्राफ्टिंग. इसकी एक लिमिटेशन होती है कि हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपका ब्रेस्ट का साइज हाफ टू वन कप साइज इंक्रीज़ हो, सो आप फैट ग्राफ्टिंग करा सकते हैं. लेकिन आप चाहते हैं कि आपका कप साइज एक या दो साइज बढ़ जाए, सो फैट ग्राफ्टिंग में कभी भी उतना साइज नहीं बढ़ पाता. जी, फैट ग्राफ्टिंग को लेके मिथ्स बहुत सारे हैं कि फैट जो होता है कि बॉडी का वो बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, एक्सरसाइज करो या कुछ करो, इस तरह की बातें सुनी जाती हैं. हाँ, ये बात क्या है कि फैट इज अ टिश्यू. अगर आप खाने पीने में बढ़ोतरी करेंगे तो फैट बढ़ सकता है जी. अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे, तो फैट कम हो सकता है जी. ये बात सही है कि अगर हमने फैट ब्रेस्ट में डाल दिया और उसके बाद इफ़ यू गेन वेट, सो योर ब्रेस्ट साइज कैन ऑल्सो इंक्रीज. इफ़ यू लूज वेट, योर ब्रेस्ट साइज विल गो डाउन. सो हाँ, एक ये लिमिटेशन है फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर की जी. अब अगर इम्प्लांट्स की बात करते हैं, उस बारे में बताएं प्लीज. सो इम्प्लांट जो हम यूज़ करते हैं आजकल, दैट इज कॉल्ड सेवन जनरेशन सिलिकॉन इम्प्लांट्स. We call it as high cohesive gel implants. We have some implants with us. These are micro textured implants. I personally don't use any Chinese or Korean implants. We use made in UK or France or USA implants. These are top quality implants. These are high cohesive gel. So, high cohesive gel ka matlab kya hai? Ki they retain their shape whatever you do with these implants. They feel very natural. Even if you press them and आप कुछ भी कर लें, दे रिटेन देयर शेप. इनफैक्ट इवन इफ द इम्प्लांट को आप कट कर लेंगे तो इसके अंदर जो सिलिकॉन है वो कहीं बॉडी में फैलता नहीं है, वो वहीं रहता है. इट मेंटेन्स इट्स ओन शेप. सो दिस इज कॉल्ड एज हाई कोहेसिव जेल इम्प्लांट्स. जी, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूंगी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या अगर आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनका नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. आप उस नंबर पर फोन करके आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या कुछ आप अपनी बॉडी को सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं. तो आप कॉल कीजिए. और डॉक्टर साहब, यहाँ पर इम्प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लांट जो है कितने साइज के लगवाए जाए, कैसे लगवाए जाए, या पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ये जानना चाहूंगी आपसे. ओके, पहले साइज की बात करते हैं. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स अलग अलग साइज से आते हैं. 200 सीसी से लेके 500 सीसी तक आते हैं. उससे बड़े वाले साइज भी कस्टमाइज करके बनवाए जा सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट साइजेस, 200, 220, 240, 260, 290. और सिर्फ ये साइजेस सीसी में नहीं, इवन द डायमीटर ऑफ द इम्प्लांट, इवन द प्रोजेक्शन ऑफ द इम्प्लांट, सब कुछ आप अपने तौर पे चूज कर सकते हैं. नाउ टिपिकली क्या करते हैं, कोई भी सर्जन आपको एग्जामिन करेगा, वो देखेगा आपका चेस्ट का साइज क्या है. दे विल सी व्हाट साइज योर ब्रेस्ट यू वांट. अगर आप प्रेजेंटली ए या बी कप हैं, आप सी डी या ई कप चाहते हैं, तो उसके लिए किस साइज का इम्प्लांट डले
जो आपके ब्रेस्ट के अंदर फिट भी हो जाए और आपको डिजायर्ड लुक भी मिल जाए, एट द सेम टाइम वो एक नेचुरल भी लगे, इतना ब्रेस्ट का साइज ना हो कि वो अननेचुरल फीलिंग हो। सो ये एक सर्जन एसेस करके आपको बता सकता है। कई बार क्या होता है कि सर्जन ने देख के आपको बता दिया, डिफरेंट साइजेस हैं कि ये 200 है, ये 300 है, आपके अंदर हम ये डालेंगे, लेकिन मरीज नहीं समझ पाता कि ये साइज मेरे अंदर डल के कैसा लगेगा। सो पहले हम क्या करते थे कि हम इस इम्प्लांट को आपके ब्रा के अंदर फिट करके आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, बट नाउ व्हाट वी डू इज अ 3D सिमुलेशन। सो हम पेशेंट्स की फोटो लेते हैं पहले और उस फोटोज के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं इम्प्लांट 3D एंड देन यू सी इट बिफोर द सर्जरी हाउ यू विल लुक लाइक इन 3D। सो इससे पेशेंट को बड़ा क्लियर हो जाता है कि डिफरेंट साइज ऑफ इम्प्लांट उस उनकी बॉडी पे कैसा लगेगा और वेदर इट विल सूट देम और नॉट, और वेदर दैट इज़ व्हाट दे वांट, वेदर उनको यही साइज चाहिए था या इससे बड़ा या इससे छोटा चाहिए। सो बड़ा क्लियरली हो जाता है जी। तो अगर आपको कोई सवाल है हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आपका सवाल जानना चाहेंगे हम। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना है तो मैं 200cc करवाऊँ या 250cc? हाँ, सो दिस इज जो आपका ये कन्फ्यूजन है, ये बहुत फीमेल्स का कन्फ्यूजन होता है और बड़ा मुश्किल होता है समझाने के लिए उनको। हम पहले जैसे मैंने बताया कि इम्प्लांट्स आपके ब्रा के अंदर डाल के दिखा सकते हैं डिफरेंट साइजेस, या आपको हम आपके मिलती जुलती फीमेल्स की जो हमारे पुराने पेशेंट्स उनकी फ़ोटो दिखा सकते थे, लेकिन अब जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 3D सिमुलेशन। इससे हम एग्जैक्टली दिखा पाते हैं कि हर साइज कैसे दिखेगा। इफ़ आई कैन शो यू, सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर इन विच हम एक फोटोग्राफ लेते हैं और इस फोटोग्राफ को कन्वर्ट कर देते हैं। सो अगर आप इस तरह से सर्जरी में पहले आए हैं, आप सर्जरी के बाद इस तरह से दिखेंगे। सो दिस इज़ 300cc के बाद आप ऐसे दिखेंगे। आप इसमें चेंज कर सकते हैं कि 250 के बाद कैसे दिखेंगे, 200cc के बाद कैसे दिखेंगे, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं अपने साथ आईपैड पे। इनफैक्ट उसके बाद आप ये गॉगल्स पहन सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स, ताकि आप 3D देख सकें कि वॉट ईच साइज विल लुक गुड ऑन यू। इससे क्या हुआ है कि पेशेंट को बहुत क्लैरिटी हो गई है कि मेरे को किस तरह की शेप चाहिए और उस तरह से हम एक साइज ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट डिसाइड कर लेते हैं। सो आप आइए हमारे ऑफिस एंड वी कैन डू दिस फॉर यू एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट साइज ऑफ इम्प्लांट यू वांट। जी, आपसे प्रोसीजर की बात कर रही थी कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है कि उनको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना है तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है? तो उसका प्रोसीजर ये रहता है कि पहले हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, वी डू 3D सिमुलेशन एंड वी डिसाइड एवरीथिंग, राइट। उसके बाद सर्जरी के दिन मरीज सुबह आते हैं, ऑपरेशन के लिए भर्ती होते हैं, सर्जरी की जाती है। ज़्यादातर हमें 40 से 45 मिनट लगते हैं सर्जरी के लिए, फिर 3 से 4 घंटे पेशेंट को ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और उसके बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। सेम डे पेशेंट घर चले जाते हैं, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी हॉस्पिटल ओवरनाइट स्टे। आई कॉल माई सर्जरी एज अ फ्लैश रिकवरी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। मेरी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो शाम को उसी दिन सर्जरी के बाद डिनर पे भी चले जा सकती हैं, आप अगले दिन से अपना सारे डेली एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी बेड रेस्ट और रेस्ट काइंड ऑफ थिंग। हम जिस तरह सर्जरी करते हैं पेन नहीं होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, जिसको बेसिकली बोला जाता है स्किन स्ट्रेच डिस्कम्फर्ट। आप समझिए कि एक इम्प्लांट आपकी स्किन के नीचे गया है, ब्रेस्ट के नीचे गया है, तो स्किन में खिंचाव तो महसूस होगा ही। वो खिंचाव से 4 से 5 दिन के लिए रहता है और हम यूजुअली बहुत ही बेसिक पेन किलर्स उसके लिए देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए रिकवरी टाइम नहीं होता। सो पेशेंट्स बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, दे कैन रिज्यूम देयर डेली एक्टिविटीज़, ऑफिस वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट डे। इम्प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, फीमेल बॉडी में जाता है तो अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या जिनकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद लैक्टेशन में क्या किसी तरह की दिक्कत आ सकती है उनको? ओके, सो जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ही कॉमन सवाल है, हमारे बहुत पेशेंट्स आती हैं जो शादी से पहले भी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराते हैं। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट हम जिस तरह से करते हैं, आप मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इंफ्रा मेमोरी अप्रोच। तो इस अप्रोच से क्या होता है, आप ब्रेस्ट टिश्यू को नहीं छूते हैं, आप ब्रेस्ट ग्लैंड के या मसल के पीछे जाते हैं, पॉकेट बनाते हैं और इम्प्लांट रख के आ जाते हैं। सो आपने ब्रेस्ट ग्लैंड को छुआ तक नहीं, इसका मतलब है
उसकी सेंसेशंस और उसके लैक्टेशन पोटेंशियल में कुछ फ़र्क नहीं आता। फीमेल बाद में लैक्टेशन भी कर सकती हैं, प्रेगनेंसी होती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, डिलीवरी के बाद बच्चे को लैक्टेट करना है उसमें भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है अगर सही तरीके से ये प्रोसीजर किया जाए तो। जी, और इसको रिमूव अगर करवाना हो, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है फीमेल बॉडी में कई बार होता है कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, तो अगर ऐसे में क्या उनको निकलवा लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चाहता है कि मैं को अब निकलवा ले लेते हैं या मेरे को ये साइज़ बड़ा लग रहा है इसका निकाल के छोटे इम्प्लांट करवा लेते हैं, सो वो किया जा सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं आपका सवाल जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन कितना सेफ है? ओके, सो अगेन, ब्रेस्ट इम्प्लांट प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सेफ इफ डन बाय अ गुड एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन एट अ गुड हॉस्पिटल एंड ही और शी इज यूजिंग अ गुड क्वालिटी इम्प्लांट। सो यू हैव टू चूज योर सर्जन हु इज क्वालिफाइड, हु हैज़ एक्सपीरियंस विद दिस सर्जरीज, हु नो दिस सर्जरीज, रेगुलरली डू दिस सर्जरीज, and you have to do it in a good hospital. And the implants, so implants what we use are not Chinese or Korean implants, we use top quality made in USA or France or UK implants. They come with a warranty card also for 15 years, which is a global warranty. So it's absolutely safe, you don't have to worry about it. जी, implant से related question ही है, तो मैं यहाँ पे जाना चाहूँगी, implant किस तरीके से आप लोग choose करते हैं, क्या quality इनकी होती है, जानना चाहूँगी। Okay, so मैंने जैसे बताया, these are silicone implants. These are high cohesive gel implants. इसका जो surface होता है वो micro textured surface हैं जो latest implants हैं, which feels very natural. अगर हम body में डालते हैं, it falls into a shape, if you can see, a natural shape of a breast. पहले जो implants आते थे वो बहुत rigid implants थे, they would form a very unnatural look. These implants fall into a shape which is a very natural shape of a breast. Understand, breast is not round. It is like a teardrop shape. So these implants also assume a teardrop shape. These are very, very soft to touch, very natural. They have a very good shell so that it does not rupture. The gel, as I said, is even if you cut the implant, doesn't float around. It assumes its shape. These are high cohesive gel. Even if you turn, do whatever it is, they maintain their own shape. So these are very top quality implants. You don't have to worry about it. जी, इनको change कराने की भी ज़रूरत पड़ती है क्या? आपने insert करा लिया तो lifetime आपके रह सकते हैं? Okay, so हाँ, बहुत सी females हैं जिन्होंने breast implant कराया है और 20, 25, 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई और चल रहा है। जो company कहती है वो बोलती हैं 15 years of warranty. इसका मतलब ये है कि normal female ages in 15 years. So their breast also ages. देखा गया है कि 15 साल की उम्र तक आपने इम्प्लांट कराने के बाद ब्रेस्ट का शेप चेंज हो जाता है, आप प्रेग्नेंट होंगे, लैक्टेट करेंगे तो ब्रेस्ट का शेप वैसे ही चेंज हो जाएगा, ब्रेस्ट थोड़ी सैग भी हो सकती है। सो 15 साल के बाद अगर आपको शेप मेंटेन करना है, सो यू विल हैव टू डू अनदर सर्जरी, मे बी अ ब्रेस्ट लिफ्ट, और उस समय अगर करते हैं तो आप इम्प्लांट चेंज करा सकते हैं। जी, यहाँ पे आपने ब्रेस्ट लिफ्ट की बात की है, तो जो ये ऑगमेंटेशन कराते हैं, क्या ब्रेस्ट लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है उनको इसमें? टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों सर्जरीज एक्चुअली। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इम्प्लांट है जिसका साइज बड़ा करना है, ब्रेस्ट लिफ्ट करना होता है उन फीमेल्स का जिनकी ब्रेस्ट सैग कर गई है, उनका साइज मे बी लेस मे नॉट बी लेस। बहुत सी फीमेल्स हैं आफ्टर दे लैक्टेट प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट की सैगिंग हो जाती है, ब्रेस्ट लटक जाती है, और इफ दे हैव लॉट ऑफ वेट लॉस विच इज हैपन, सो ब्रेस्ट सैगिंग हो जाती है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ब्रेस्ट लिफ्ट या मैस्टोपेक्सी। वो बिल्कुल ही एक स्टैंड अलोन डिफरेंट प्रोसीजर है। हाँ, अगर कोई फीमेल चाहती है कि ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ साथ मेरा साइज भी बड़ा कर दिया जाए, तो आप इम्प्लांट उसके साथ भी करा जा सकता है, जिसको बोलते हैं फिर मैस्टोपेक्सी ऑगमेंटेशन, बट बाय द कंसेप्ट दे आर डिफरेंट सर्जरीज। जी, तो यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि वही स्कार वाला, कि अगर कराएंगे तो बॉडी के ब्रेस्ट के किस पार्ट के ऊपर स्कार पड़ेगा, तो किस तरीके से इसकी सर्जरी की जाती है? ओके, सो जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी होती है इसके डिफरेंट तरीके से की जाती है। एक होता है अराउंड द एरियोला, सो इसको हम बोलते हैं पेरी एरियोलर अप्रोच। एक होती है ट्रांस एक्सिलरी, सो आपके एक्जिला में एक कट दिया जाता है, और एक होता है इन्फ्रा मेमरी, जिसमें मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट ग्लैंड के नीचे इन्फ्रा मेमरी अप्रोच दिया जाता है। तीनों अप्रोच का लक्ष्य यह है कि ब्रेस्ट ग्लैंड के पीछे जाएं, एक पॉकेट बनाएं जिसमें हम इम्प्लांट को फिट कर दें। मैं यूजुअली
इंफ्रा मेमोरी अप्रोच प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इंफ्रा मेमोरी अप्रोच से आप बहुत डायरेक्टली बिना ग्लैंड को टच करे डायरेक्टली पीछे पहुँच जाते हैं। अगर आप पेरी एरियोलर करते हैं तो कुछ ना कुछ ब्रेस्ट ग्लैंड टच होता है। तो ज़्यादातर हम यंग फीमेल्स में जो अनमैरिड हैं, आगे उनको प्रेगनेंसी करनी है, लैक्टेशन करनी है, मैं पेरी एरियोलर अप्रोच प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ। ट्रांस एक्जिलरी अप्रोच भी अच्छा अप्रोच होता है जिसमें एक्जिला के थ्रू आप जा सकते हो, लेकिन अगर किसी फीमेल को क्लीवेज बनाना है मीडियली, उसको सेंटर में थोड़ा सा इम्प्लांट शेपिंग ज़्यादा अच्छा चाहिए, सो वो ट्रांस एक्जिलरी से थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्फ्रा मेमोरी अप्रोच बहुत ही साफ सुथरी सी अप्रोच है, वर्ल्ड में सबसे पुरानी और इस्टेब्लिश्ड अप्रोच है जो वर्ल्ड ओवर ग्लोबली मोस्ट सर्जन्स यूज़ करते हैं जी। इसका एक और एडवांटेज होता है जी कि द स्कार इज नेवर विजिबल। इवन इफ अ फीमेल इज स्टैंडिंग नेकेड, द स्कार इज नेवर सीन बिकॉज इट इज बीनीथ द ब्रेस्ट ग्लैंड, और ब्रेस्ट का फॉल जो आता है उसके नीचे से स्कार होता है, सो किसी को कभी भी पता भी नहीं चल सकता कि आपने कराया है। एंड व्हाट आई यूज इज अ शॉर्ट स्कार अप्रोच, जिसका मतलब है कि यूजली स्कार 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इम्प्लांट का क्या साइज किया है। सो स्कार इज वेरी वेरी लाइट, इट फेड्स अवे रियली नाइसली ओवर नेक्स्ट 6 to 7 months, बहुत हल्का हो जाता है, पता ही नहीं चलता जी। और अगर आपका कोई सवाल है, आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो हमारी फ़ोन लाइन खुली हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर भी आप उनसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कॉस्मेटिक सर्जरी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आपका सवाल जानना चाहेंगे आप। हेलो डॉक्टर साहब, मैंने अपनी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराई थी लेकिन उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा हैवी है, तो आप प्लीज़ कुछ सजेस्ट करेंगे? हाँ, सो अब ये प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के साथ जब कई बारी वो ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना चाहते हैं, उनको नहीं समझ आता कौन सा साइज़ चूज़ करें, उनने 3D सिमुलेशन जैसे मैंने आपको बताया पहले वो नहीं किया, सो दे ऑप्ट फॉर समथिंग विच इज़ अ वेरी वेरी बिग साइज़ फॉर देयर ओन बॉडी, जो शायद आपके साथ हो रहा है। सो इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, आप आएंगे, हम पहले आपका अगेन 3D सिमुलेशन करेंगे, आपका जो एग्जिस्टिंग साइज ऑफ इम्प्लांट है आपकी बॉडी से माइनस करके दिखाएंगे ऑन द कंप्यूटर, आप देखेंगे कि अब आपका पहले साइज़ क्या था सर्जरी से पहले, और फिर उस साइज़ पे अब हम दूसरे साइज़ डालेंगे एग्जिस्टिंग साइज से छोटा, ताकि आप समझ पाएँ कि अब कौन से साइज़ का इम्प्लांट आप पे डाले जाए। जब हम डिसाइड कर लेंगे, सपोज़ आपका 400cc डाला हुआ है, इसको निकाल के हम 250cc डाल के आप कैसा लगेगा, फिर हम आपकी सर्जरी करेंगे, 400cc का इम्प्लांट निकल जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस जो क्रिएटेड है उसको क्लोज की जाएगी और 250cc का इम्प्लांट डाल दिया जाएगा, सेम डे आप घर पे जा सकते हैं एंड यू गेट अ परमानेंट फाइनल रिजल्ट जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात करें इम्प्लांट्स की, तो हमने जैसे कि बात की है इम्प्लांट बॉडी के अंदर जाता है, एक मन में सवाल ये भी आता है क्या ये सेफ होता है, क्योंकि आजकल फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया। ओके, सो अब ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मिथ का सवाल है, दिस इम्प्लांट्स आर नॉट रिलेटेड एट ऑल विद ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आपके ब्रेस्ट टिश्यू में होता है, ये इस टिश्यू से ब्रेस्ट कैंसर का कोई लेना देना नहीं है, ना तो इसमें कैंसर होता है ना इसकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये क्लिनिकली प्रूवन है, बहुत स्टडीज हो चुकी हैं। आप खुद सोचें अगर इस तरह का कोई केस होता तो क्या सिलिकॉन इम्प्लांट प्रोसीजर हो रहा होता, हो ही नहीं रहा होता, तो नेचुरली ये एक मिथ है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। यहीं पर मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसी फीमेल्स की जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और उनकी ब्रेस्ट सर्जरी हो चुकी है और ब्रेस्ट निकाली जा चुकी है, उसके बाद आइडियली उनकी एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसे बोलते हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग विच वी डू, और बहुत सी फीमेल्स, बहुत सी फैमिलीज ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कराती नहीं है बिकॉज ऑफ दिस मिथ कि दोबारा ब्रेस्ट अगर हम बनवाएंगे तो फिर से कैंसर हो सकता है, वो बिल्कुल गलत है। जो ब्रेस्ट टिश्यू था जिसमें कैंसर था वो तो निकल गया, लेकिन आप दोबारा बनवाएंगे तो उससे कैंसर का कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ लेना देना है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपके बॉडी इमेज से, सेल्फ एस्टीम से। एक फीमेल के लिए ब्रेस्ट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, आपने उसको कैंसर से हटा दिया उसके बाद दोबारा नहीं बनाया, इसका मतलब है उनका ट्रीटमेंट आधा हुआ है। मैं इसको अकिन मानता हूँ कि किसी की टांग कट गई, हाथ कट गया, तो अब इन दिस मेडिकल साइंस आप नकली टांग नकली हाथ लगवाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें, अपनी ज़िंदगी कॉन्फिडेंस से जी सकें, सेल्फ एस्टीम से जी सकें। ब्रेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी सिमिलर एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर दैट फीमेल, सो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच वी डू
एंड एवरी फीमेल हु हैज हैड अ ब्रेस्ट एक्सीजन और अ मैस्टेक्टमी सर्जरी आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर दे शुड ऑलवेज ऑफ्ट फॉर ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन। जी, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने इम्प्लांट्स की बात की, अब मैं लिफ्ट की बात करना चाहूँगी। ब्रेस्ट लिफ्ट की जो सर्जरी होती है या प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? सो मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत सी फीमेल्स या तो प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट लटक जाता है, या वेट लॉस के बाद, या कभी कभी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेट आपका ब्रेस्ट साइज अपने आप से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ब्रेस्ट सैगिंग हो गई, लटक जाता है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है ब्रेस्ट लिफ्ट। नाउ अलॉन्ग विद द लिफ्ट, अगर आप सोचते हैं कि आपका ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है, उसको कम कराना है, तो आप ब्रेस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अलॉन्ग विद द लिफ्ट साइज़ बढ़ाना है, तो आप साइज़ बढ़वा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, साइज़ एडिक्वेट है, आई जस्ट वॉन्ट अ लिफ्ट, तो हम सिर्फ लिफ्ट भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मेस्टोपेक्सी। सो दीज आर डिफरेंट सर्जरीज एंड वी डिसाइड कि कौन सी सर्जरी किस इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेयर दे स्टार्ट फ्रॉम। जी, तो यहाँ पर इसका प्रोसीजर पूरा क्या रहता है? इसका प्रोसीजर अगेन, पेशेंट सुबह आता है हॉस्पिटल, सर्जरी होती है। इसकी सर्जरी समथिंग अराउंड 2 घंटे की सर्जरी होती है, जिसमें आपको लिफ्ट या इम्प्लांट करना है, या ओनली लिफ्ट या लिफ्ट विद रिडक्शन करना है। आप सर्जरी कराते हैं और आप सेम डे घर चले जाते हैं। द वे वी डू दिस सर्जरी इज समथिंग विच इज़ पेनलेस। इट्स अ डे केयर सर्जरी अगेन इन माई हैंड्स। पेशेंट गो बैक होम द सेम डे, देर आर नो ड्रेन्स, दे गो बैक होम एंड दे रिज्यूम देर डेली एक्टिविटीज फ्रॉम नेक्स्ट डे। दे जस्ट हैव टू वेयर समथिंग कॉल्ड एज स्पोर्ट्स ब्रा। स्पोर्ट्स ब्रा हर फीमेल को मालूम होती है कैसे होती है, सो वो पहनना होता है। वॉट स्पोर्ट्स ब्रा डज इज दे मेंटेन द शेप ऑफ द रिजल्ट व्हिच वी हैव गिवन यू ऑन टेबल। दे हैव टू वेयर इट फॉर 4 वीक्स। बेसिक्स मेडिसिन होती हैं फॉर फर्स्ट 4-5 डेज, और उसके बाद कोई दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। जो स्टिचेस हम लगाते हैं वो इसमें एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं, देयर इज नो स्टिच जो हमें रिमूव करना होता है। एंड एज आई सेड बिफोर, यू गेट अ वेरी वेरी फाइन स्कार। जी, यहाँ पर जिस तरह की ब्रेस्ट की सर्जरीज होती हैं, चाहे ऑगमेंटेशन हो, चाहे लिफ्ट हो, चाहे इम्प्लांट हो, किसी भी तरह की, उसके बाद क्या किसी तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको ब्रेस्ट के लिए, जैसे ब्रेस्ट एक्सरसाइज होती है या मसाज होती है, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं? सो 3 प्रिकॉशंस which have to be taken after any breast surgery is that you we have to wear a sports bra for 4 weeks. You have to avoid any pectoral muscle heavy exercises. So koi bhi chest exercises, aap biceps ki exercise kar sakte hain, legs ki kar sakte hain, pectoral exercises aapko thodi si avoid karni hai 4 weeks ke liye. Aur dusra massage jo aapne bola, breast massage should be started after 2 weeks of surgeries. A gentle massage with any oil like coconut or olive oil you can do after 2 weeks. To give them a good shape. जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगी आपका सवाल क्या है? डॉक्टर, ब्रेस्ट साइज तो ठीक है, लेकिन गैप होने की वजह से क्लीवेज नहीं बन पाती, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मेनी फीमेल्स हैव दिस पूजा जी, कि ब्रेस्ट का साइज एडिक्वेट है बट उनके बीच में गैप इतना है कि वो क्लीवेज नहीं बनता व्हेन दे वेयर ड्रेसेस। सो इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन डू फैट ग्राफ्टिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली कि हमने कहीं पे लाइपोसेशन किया, फैट निकाला, हम फैट से ब्रेस्ट की शेप बना देते हैं इन दी मिडली। सो सेंटर पोर्शन में राइट और लेफ्ट के ब्रेस्ट को एक शेप दे देते हैं, एक स्लोप दे देते हैं, सो दैट कि उनका क्लीवेज बन जाए। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, डज नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड शेप विच इज़ परमानेंट एंड यू गेट अ वेरी गुड क्लीवेज। जी, तो डॉक्टर साहब ने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। सब हमारे पास वक्त बहुत कम है, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है डॉक्टर रजत गुप्ता से, तो आप उनके नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हेयर ट्रांसप्लांट, फेसलिफ्ट सर्जरी, लिक्विड फेसलिफ्ट, ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरीज, बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स, राइनोप्लास्टी, लेजर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए अब आप सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए बात कर सकते हैं मोस्ट रिप्यूटेड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर रजत गुप्ता जी से। प्रोग्राम स्किनोवेशन।